नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से। दोस्तों आप लोग जानते होंगे सोना, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है सोना। हम देखना चाहते हैं जो फरीदाबाद के ज्वेलर्स हैं, जो सोने का ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, वे लोग कोरोना वायरस के समय में और लॉकडाउन के दौरान किस तरह से ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और जो भी ज्वेलर्स हैं किस तरह से सर्विस देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करते हैं, किस तरह से कोरोना से खुद को भी बचाते हैं और ग्राहकों को भी बचाते हैं। हम ये भी बातचीत करेंगे ग्राहकों के लिए स्कीम्स क्या हैं। इस वक्त हम खड़े हैं श्री दाऊ जी ज्वेलर्स NIT 1 में 1H27, ये शोरूम है ज्वेलरी का। हम यहाँ पर आए हैं और ज्वेलर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए श्री दाऊ जी ज्वेलर्स NIT 1, इसका एड्रेस है 1H27 आर्य समाज रोड NIT फरीदाबाद। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा है 9873247884। तो हम अंदर चलते हैं, ज्वेलर से बातचीत करते हैं और उनसे पता करते हैं किस तरह से वे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को और क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं। खोलिए सर। नमस्कार जी, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार। हम यहाँ पर पता करने आए हैं कि लॉकडाउन जैसे कठिन समय में और कोरोना वायरस के संक्रमण के कठिन समय में आप लोग किस तरह से अपनी शोरूम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या सावधानियाँ आप लोग बरतते हैं, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं और थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। सोने के बारे में बातचीत करते हैं, जो गोल्ड है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सोना, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विनय कुमार अग्रवाल है। अच्छा। मैं यहाँ NIT 1 में मेरा शोरूम है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा। और इस कोरोना के कठिन समय को अपनी हेल्थ को अच्छे से देखते हुए बिताएं। और विनय जी, एक मेरा सवाल है, आप कहते हैं सभी लोग अपने घर में रहें और कोरोना वायरस से अपनी देखभाल करें, तो आपके शोरूम में कौन आएगा अगर आप लोग घर में रहेंगे, और आप उनको सर्विस कैसे देंगे? क्या आप कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं या होम डिलीवरी का कोई ऑप्शन है आपके पास? सर, हमने अपने सारे कस्टमर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी सामान देखने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। हमसे कस्टमर अपॉइंटमेंट फिक्स करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारा स्टॉक देख सकता है। जो भी चीज उसे पसंद आए, उसके रेट उसको ऑनलाइन बताए जाएंगे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और वो चाहें तो वो ऑर्डर बुक करके, ऑर्डर प्लेस करके, ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करके हम उनको होम डिलीवरी भी प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं। और साथ में अगर आप हमारे यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भी आने में हम लोगों ने पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर का समय समय पे इस्तेमाल करके, अच्छा, और चीजों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करके हम रखते हैं। हर कस्टमर के आने और जाने के बाद हम सारी कुर्सियों को वापस डिसइंफेक्टेंट से साफ करते हैं, और हम बकायदा पूरी साफ सफाई के साथ यहाँ बैठे हैं और इस चीज का ध्यान रख के बैठे हैं कि जो भी ग्राहक हमारे पास आए उसको ये कोरोना जैसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। जब भी कस्टमर आता है पहले आप उसके हाथों को सैनिटाइज करते हैं, और ग्लव्स नहीं होता तो उसको ग्लव्स भी दिया जाता है। हाँ, अगर मास्क नहीं होता तो मास्क भी दिया जाता है। अच्छा, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से आप पालन करते हैं? जैसे हमने दूर दूर कुर्सियां लगा रखी है सारी। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा गैप पे कस्टमर्स हमारे पास बैठते हैं। अच्छा, ये चार कुर्सी हैं तो एक के गैप के बाद यहाँ पर दो लोग ही बैठ सकते हैं। सोफे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जहाँ दो लोग आपस में पास बैठे। अच्छा। सब अपनी अपनी अलग कुर्सियों पे अलग अलग बैठेंगे, सबको आराम से अच्छे से सामान दिखाया जाएगा। अच्छा। प्रॉपर वेटिंग का अरेंजमेंट भी है कि अगर
कस्टमर हमारे पास कोई है तो कस्टमर आराम से साइड में बैठ के वेट भी कर सकता है दूरी बनाकर। अच्छा, जैसा कि चर्चा ऐसी चल रही है कि सोने की डिमांड में कमी आई है, यह भी चर्चा है कि लॉकडाउन के कम हो गए, खत्म हो गए, तो उन्होंने सोना खरीदना बंद कर दिया, ऐसी कोई मतलब ये सच है? सोने की डिमांड में अगर मैं बात करूं धर्मेंद्र भैया, पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो सोना बार बार अपनी पकड़ अच्छी बना रहा है मार्केट में। अच्छा अच्छा, सोना कहां, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसी समय सोने का जो भाव था वो 35-36 हजार रुपए के आसपास था, जो आज की डेट में सोने का भाव है वो 50 हजार क्रॉस कर चुका है। 50 हजार क्रॉस कर चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब सोना महंगा हुआ है। महंगा हुआ है तो महंगा तो तब होता है जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड है और ऐसा नहीं है डिमांड नहीं है, बहुत लोग हैं जो सोने में आज भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने और लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड्स में, जो बेचारे हमारे जॉब वाले जो भाई लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आज उन सारी रिटर्न्स, उनमें रिटर्न्स नहीं मिल रही है हमारे इन्वेस्टर्स को, तो गोल्ड में बहुत लोग इस वजह से आए हैं और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है समय के साथ और गोल्ड की रिक्वायरमेंट में मैं नहीं समझता कि कोई भी कहीं से कहीं तक कोई कमी आई है, डिमांड वैसी की वैसी भरपूर है। और नहीं, 2-3 महीने जो लॉकडाउन के थे वो निकल गए जो है, इस दौरान बहुत ज़्यादा शादियाँ होती थी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, लोग खूब खर्चा करते थे, तो क्या अभी जो है पार्टियों का खर्चा तो बच गया, 1000-2000 की जो गैदरिंग होती थी, लोग 50-60 लाख 70 लाख 1-2 करोड़ रुपए ऐसे खर्च कर देते थे पार्टियों में, वो पार्टियां तो अभी नहीं हो रही हैं, अभी तो 50 ही गैदर हो सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो पैसे बच रहे हैं वो सोने में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? भैया ऐसा है कि देखो जो पिछले 2-3 महीने गए हैं वो तो हर व्यापार के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उस 2-3 महीने में कोई काम किया, वो तो हर व्यापार के लिए जीरो थे, बट उस दौरान जो शादियां हुई वो लोग जो शादियों में जो बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे जो नहीं कर पाए, आज उनकी सोच ऐसी बन गई है कि बच्चों के लिए ज्वेलरी लेके रख दो कम से कम उनके फ्यूचर में काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों की सोच ये हो गई है कि जो पैसा लोग अपनी शादियों में लगाया करते थे वो अब लोगों की सोच है कि हम उसको FD कराएं तो FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं है, कुछ और इन्वेस्टमेंट करें तो उनमें रिटर्न नहीं आ रहा, तो कस्टमर्स जो है उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा अच्छा समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, तो उससे कम से कम बच्चों को रिटर्न मिलेगी आगे फ्यूचर में उनको इमरजेंसी में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है आप जब भी सोचेंगे उसको आप बेच सकते हैं। तो अगर किसी के पास गोल्ड है तो क्या आपके पास कोई ऐसी सुविधा है कि वो बेचे तो आप ले लेंगे और अच्छी कीमत देंगे? अगर किसी के पास गोल्ड है, जैसे इन पिछले 2-3 महीने में बहुत ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं जिनको बहुत परेशानियां आई होगी खर्चों को लेके और हर चीज को लेके, तो अगर कोई ऐसा हमारा भाई होगा जिसको अपने कोई गोल्ड को बेच के पैसे भी चाहिए होंगे तो हमारे पास उसकी भी पूरी व्यवस्था होती है। अच्छा, हमने अपने पास पूरा सेटअप लगा रखा है, हमने फर्नेस लगा रखी है, उस फर्नेस के अंदर हम गोल्ड कस्टमर के सामने ही मेल्ट करते हैं। अच्छा। और मेल्ट करके उसकी मशीन में प्योरिटी चेक करते हैं, उससे सबसे बड़ा ग्राहक को और हमें जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि उसमें ना ग्राहक का नुकसान है ना हमारा नुकसान है। अच्छा। उसके गोल्ड की उसको पूरी कीमत मिलती है, नहीं तो अंदाजे से हम काम नहीं करते कि अंदाजे में या तो हमारा नुकसान होगा या ग्राहक का नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात, हम पुराने गोल्ड अगर किसी ग्राहक से लेते भी हैं तो उसमें कोई कटौती नहीं करते, ग्राहक के सामने ही आप उसको मेल्ट करते हैं, सामने ही जो भी है वो हाथ के ग्राहक के सामने ही हम करते हैं, तो उससे ग्राहक की भी मन की सेटिस्फेक्शन पूरी होती है। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि आप होम डिलीवरी भी दे रहे हैं तो क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, कोई मोबाइल नंबर जिससे लोग आपसे संपर्क कर सके? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9873247484। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि इस समय में अब जो अब काफी समय बाद आया है तो हमारा भी शोरूम आज 3 महीने बाद वापस खुला है और आज हम काम उसी तरीके से कर पा रहे हैं जैसे हम पहले कर पा रहे थे कुछ सावधानियों को बरतते हुए, तो हमने अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए कुछ स्कीम भी इस समय लॉन्च करी हुई है, हम उनको कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स दे रहे हैं। क्या ऑफर्स हैं बताइए? हमारे सर हम लोग उनको ज्वेलरी के ऊपर 0% मेकिंग चार्जेस पे हम उनको ज्वेलरी दे रहे हैं इस थोड़े से करंट पीरियड के लिए, जैसे कि हम आपके साथ आए हैं, आप हमारे पास आए हैं, तो हम 15 जुलाई तक के लिए अपने कस्टमर्स को 0% मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी देंगे, जिसमें हमारे पास कस्टमर आ सकता है और ज्वेलरी ले सकता है। अच्छा अच्छा,
मतलब मेकिंग चार्जेस नहीं होगा, नहीं लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक फैसिलिटी हम अपने कस्टमर्स को जो हम हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कस्टमर्स कुछ बढ़े हैं या आप होम डिलीवरी ही कर रहे हैं अधिकतर जो कस्टमर्स? भैया कस्टमर्स देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने ये होम डिलीवरी वाला एक इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च जरूर किया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ज्वेलरी दिखाकर हम कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे को बहुत फर्क पड़ा है। काफी कस्टमर्स ऑनलाइन वीडियो पर ज्वेलरी पसंद कर ऑनलाइन पेमेंट करके ज्वेलरी हम उनको डिलीवरी करा रहे हैं। अच्छा, बट साथ ही साथ ऐसा नहीं कहूंगा कि लोग शोरूम पे नहीं आ रहे, शोरूम पे भी काफी लोग आ रहे हैं और आकर ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी ऐसी चीज होती है, ये बहुत महंगी धातु होती है, हर बंदा उसको देख के परख कर और फिर लेना पसंद करता है। अच्छा, तो इसलिए शोरूम पे भी काफी लोग आके, और हम शोरूम पे भी कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमें जानता है, हमारा नंबर उसके पास है, तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके आएगा, तो हम क्या है कि ये ध्यान रखेंगे कि उस समय हमारे पास वही एक कस्टमर हो जिसको हम अटेंड करें, जिससे कि जो बीमारी जो इस समय चल रही है शहर में उससे भी बचे रहें हम। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, अधिकतर जो कस्टमर्स होते हैं, मान लो किसी और ज्वेलर से वे गोल्ड खरीद चुके होते हैं, फिर वो सोचते हैं यार उसी के पास चलते हैं, अदरवाइज अगर किसी और के पास जाएंगे तो जो आप मेकिंग चार्जेज या कह रहे हैं या और भी, वो ज़्यादा चार्ज ज़्यादा काटता है, तो लोग डरते हैं, लोग नए ज्वेलर्स के पास जाने से डरते हैं। तो अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो पहले किसी और ज्वेलर से जुड़ा हुआ है और ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदी हुई है, अगर आपके पास आना चाहे, तो क्या आप उसको जो मतलब सर्विस देते हैं, मतलब ज्यादा खर्चा तो नहीं आता आपकी सर्विस? भैया हमारा क्या है, देखिए कि ये जो एक लाइन है, हम किसी भी ग्राहक को, हम किसी भी कस्टमर को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आके हमसे ही ज्वेलरी ले। बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसका अपना स्वयं अधिकार है कि वो जाकर कहीं से भी ले, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। ठीक है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे को यहाँ बैठे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, और इन 4 सालों में मैं बहुत नए ग्राहकों के साथ जुड़ा हूँ, और वो ग्राहक भी मेरे साथ जुड़ के बहुत खुश है, वो रेगुलर मेरे पास आते हैं, हमारे पास ज्वेलरी की किट्टी भी चलती है, उन्होंने ज्वेलरी की हमारी किट्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे भी उनको बहुत फायदा होता है। अच्छा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पुराने किसी ज्वेलर से सामान ले रहे हैं तो उसी के पास जाएं, आप हमसे लें या ना लें, मैं एक ये दरखास्त जरूर करूंगा अपने देखने वाले सारे दर्शकों से कि वो आए हमारी एक बार ज्वेलरी देखें, लेना ना लेना तो उनकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी से, बट एक बार देखें हमारे पास जो डिजाइन्स हैं, हम बहुत नए डिजाइन्स में, बहुत अच्छे डिजाइन्स में काम करते हैं, हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कुछ होता है। अच्छा, दूसरा, हमारे पास जितनी भी ज्वेलरी है सारी हॉलमार्क ज्वेलरी में हम काम करते हैं, प्रॉपर बिलिंग के साथ हम काम करते हैं, कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस देने की हम सोच रखते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ जुड़ने के लिए हम कस्टमर के साथ इस मार्केट में बैठे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया सोने के जो रेट हैं 50,000 के करीब हो चुके हैं, तो अगर जिसके पास पहले से सोना पड़ा हुआ है तो अगर आप बेचना चाहते हैं आपको, तो क्या उसको भी 50,000 का ही रेट देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल सर, ये सोना एक ऐसी चीज है कि ये तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके घर में रखा ये पैसा है, आधे रात को आप कभी भी इसको पैसा कर सकते हैं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आज अगर मार्केट में 50,000 का रेट है तो आपको 50,000 में ही बिकेगा। और एक चीज लास्ट में ये भी जानना चाहता हूँ, फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है और ये वीडियो दूर दूर के लोग देख रहे हैं, अगर आपके शोरूम पे वे आना चाहें तो उनको इजीली जो लोकेशन कहाँ पर आएं, कैसे आएं, बताइए थोड़ा सा। सर मेरा शोरूम NIT में फरीदाबाद में है, NIT फरीदाबाद, सब मेरे ख्याल से फरीदाबाद में हर एक बंदा इस एरिया से परिचित है। NIT में फरीदाबाद, NIT एक नंबर में, आर्य समाज रोड है ये, जहाँ पे मेरा शोरूम बना हुआ है, आर्य समाज रोड। आप अगर BK चौक से आते हैं तो BK चौक से अगर आप हार्डवेयर चौक की साइड जाएंगे तो जाते वक्त आपको पहले श्याम गारमेंट्स का शोरूम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। बिल्कुल, श्याम गारमेंट्स के शोरूम से जस्ट पहले ही एक अंदर गली जाती है, जहाँ पे अपने 2-3 बीकानेर वाले
बैठे हैं बिल्कुल उस गली के अंदर ही हमारा शोरूम बना हुआ है, आर्य समाज रोड पर, केएल मेहता दयानंद पब्लिक स्कूल है, एच ब्लॉक के अंदर। स्कूल के बिल्कुल सामने हमारा शोरूम है श्री दाऊजी ज्वेल्स के नाम से। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत आराम से आ सकते हैं और हमारे शोरूम के बाहर पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। किसी भी ग्राहक को चाहे गाड़ी से आना हो चाहे कैसे भी आना चाहे, वो आराम से आकर अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक नंबर की मार्केट है तो भीड़ होगी, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ का ध्यान रखकर यहाँ पर आज आपके पास शहर में बैठे हैं। अच्छा, यानी आपके पास पार्किंग की भी सुविधा है। हाँ। और यहाँ पर जो कंजेस्टेड नहीं है यहाँ नहीं। पर मार्केट, यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। हाँ। ठीक है, और कोई अपील है फरीदाबाद की जनता से? मैं फरीदाबाद की जनता से बस यही कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखें, अपने जो है साथियों का सबका ध्यान रखें, और अगर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो तो हमारे शोरूम पे एक बार आए और हमारे को मौका दें। विनय जी, मैं 2 कदम पीछे हटता हूँ, आप थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए ताकि फरीदाबाद की जनता आपको पहचान भी ले, क्योंकि वैसे तो आप अपील कर रहे हैं लेकिन जब तक मास्क नहीं हटाएंगे, और वैसे तो ये मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन हम अगर 2-3 कदम दूर रहते हैं तो कोई मास्क ज़रूरी नहीं कि मास्क लगाया जाए। तो ये विनय जी हैं जो श्री ताऊ जी दाऊ जी ज्वेलर्स, श्री दाऊ जी हाँ, ज्वेलर्स मैनेज करते हैं। बिल्कुल, तो जब भी आपको ज्वेलरी खरीदनी हो यहाँ पर आ सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं और अच्छी सर्विस का ये भरोसा दे रहे हैं। तो फरीदाबाद की जनता ये वीडियो शेयर करें, देखें, और जिसको भी ज्वेलरी की ज़रूरत हो यहाँ पर ज़रूर आएँ। मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।